प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। शिल्पी शर्मा टोरंटो ओंटारियो से जी। मैं पूरे शिविर में मेरा जो एनर्जी फील होती थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा थी कि कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो आज जब मैं शाम को ध्यान पे बैठे तो एक तो मुझे पहली बार मुझे बहुत गर्मी फील हुई मूलाधारा में, अभी तक है तो बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं जब ध्यान कर रही थी तो जैसे आपने बताया था अग्नि चक्र पे फोकस करना है, मैं पहले जब ध्यान करती थी तो ब्रह्मरंध्र पे करती थी, तो आज जब ध्यान ब्रह्मरंध्र पे गया अग्नि चक्र के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर निकलना चाह रहा है ध्यान या पता नहीं क्या। तो फिर वो जब फोकस हुआ तो अग्नि चक्र से ऐसा लगा कि बस, क्योंकि बहुत सर भारी रहता था, एनर्जी रहती थी, तो जब वो एकदम से बाहर निकला तो बहुत हल्का हो गया हेड। और फिर ऐसा लगा कि स्पाइरल घूमता हुआ ऊपर को उठा बहुत तेज़ गति से और फिर सीधा हो गया और मैं अपना ध्यान ऐसा लग रहा है कि बस ऊपर ही जाता रहे और बहुत तेज़ गति से ऊपर जा रहा था। मैं कर रही थी ऊपर, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि बस वो ख़त्म नहीं हो रहा था, बस ऊपर ही जा ही जा रहा था और ख़त्म नहीं हो रहा था। तो ये मेरा अनुभव था। तो अच्छी बात है कि आपको पहले से ज़्यादा फील हुआ, आप जो भी बता रही हैं। घर जा कर के आप साधना करिए, मैं सभी साधकों से यही इच्छा करता हूँ। आपको कितना समय मिलेगा अभ्यास करने के लिए घर में? मैं पहले आधा घंटा के करीब कर लेती थी, अब मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। मैं सुबह शाम मिला के मैं एक घंटा तक कर लूँ। क्या आपके दिन में व्यस्तता होती है, जॉब करते हैं क्या? हाँ जी, दिन में मेरा। अच्छा अच्छा मैं सुबह या शाम को, मैं ट्राई कर सकती हूँ, जब मेरा कभी बीच में भी टाइम लगे तो मैं ऑफिस में बैठ के कुछ कर पाऊँ। मैं तो सभी साधकों से यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय निकल सके अभ्यास करने के लिए तो अभ्यास करें। मैं भी यही इच्छा रखता हूँ, और अभ्यास करेंगे अगर, लेकिन एक घंटे में कितनी उन्नति होगी मुझे भी नहीं पता। ऐसे दो घंटे के आसपास में समझ में आने लगता है। फिर भी आपके पास जितना समय हो ज़्यादा से ज़्यादा आप समय निकालें अध्यात्म के लिए और अभ्यास करें। तो गुरुजी, जो ऊपर जाता है जाते है उसका कुछ मतलब है? हाँ, कुछ मतलब होता है उसका, वो आप बता सकते? वो सूक्ष्म रूप से वो क्रियाएं हुआ करती हैं ना, जो आप ऊपर को फील करती हैं, अंदर से अनुभूति होती है वो चीज़। जी ठीक है, थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। निशांत शर्मा टोरंटो से, कनाडा। पिछले दो तीन दिन से जो मेडिटेशन योग है वो ऑलरेडी काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। पहले जब मैं आया था मेरी लेफ़्ट साइड पे ही एनर्जी महसूस करता था ज़्यादातर, बट पिछले दो दिन स्पेशली अभी जब आपने लास्ट में मंत्र जाप कर रहे थे, आई कैन वो पूरी बॉडी में फील कर रहा था और बॉडी टेम्परेचर भी राइज़ हो रहा था। तो बस ध्यान आगे से थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा मैं, और होपफुली अगली बार जब मिलूँ तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और बता सकूँ आपको। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.